हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बिलियन क्लब। आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। हमारा 26 26वां लेक्चर है ना। आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग आपको क्वेश्चन लास्ट में मिल जाएगा और जो आपने मुझे सेंड किए थे मैंने वापस फॉरवर्ड कर दिए हैं। ओके, करंट अफेयर के हम शॉर्ट नोट बनाते हैं, वन लाइनर, जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो इसके बारे में दो तीन रिसर्च हुई थी तो मैंने लिख ली थी, तो लिख एक बार सुन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लिख लेना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली हैव बीन मूविंग वेस्टवर्ड बाय अबाउट 30 किलोमीटर पर डिकेड सिंस 1982। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, पुटिंग डैम क्लोजर टू लैंड, ओके, एंड मेकिंग डैम मोर डेंजरस। आपने देखा होगा हाल ही में क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स कितने ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं, है ना, और रिपीटेड भी हो रहे हैं, बार बार आते जाते हैं, और एंड मेकिंग डैम मोर डेंजरस, ओके, एक्सेप्ट अटलांटिक हरिकेन्स। इस पर और रिसर्च होनी है अभी कि ऐसा अटलांटिक हरिकेन्स में क्यों नहीं होता है, पर ये बात फैक्ट है। आप लोगों ने भी देखा होगा हाल ही में, पिछले दो तीन सालों से आप जब साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते होगे, पहले आपने देखा होगा कि इस साइड तो आते भी नहीं थे, बे ऑफ बंगाल में आते थे, है ना, इस साइड नहीं आते थे, पर इस साइड भी आने लगे अब, है ना, तो ये रीजन हो गया। सेकेंड, आपका आपके बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं वेस्टवर्ड, लैंड की साइड मोर वल्नरेबल हो रहे हैं, पहले इतने नहीं होते थे। सेकंड, आपका फिश पास, तो अभी हाल ही में एक फिश पास बनाया गया था अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तो होते हैं, ऐसे डैम बना हुआ है, डैम से नीचे एकदम से आ जाए आपकी, है ना, फिशेस। डैम से ऊपर जाने के लिए बना था फरक्का बैराज, हिल्सा के लिए बना था, हिल्सा अपस्ट्रीम, हिल्सा मछली के लिए। और ये फरक्का बैराज किस नदी पर है? गंगा पर। ये वैसे इतना न्यूज़ में नहीं आएगा फरक्का बैराज के बारे में, पर एक जनरली आइडिया होना चाहिए हमें, ओके, कि और बहुत अच्छा एग्जांपल भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि आप अगर डैम बना रहे हो तो आपको ऑफिसेस को नुकसान ना हो। थर्ड, आपका हैदराबाद में एक थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का रिकग्नाइज किया गया है हैदराबाद को, तो ये किसने किया है? हमें बस ये याद रखना है, आर्वर डे फाउंडेशन प्लस FAO, ओके। फोर्थ, आपका वेम्बनाड लेक के बारे में लेक है, तीन चार फैक्ट हैं, तो एक याद रखना, पहला लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, और ये लक्का टाइप सी है जो आपका उससे सेपरेट होती है बैरियर आइलैंड से। और थर्ड, आपका बल्लम कल्ली या फिर स्नैक बोट का एक रेस होती है यहाँ पर बेम्बनाड लेक पे, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ये रामसर साइट है। फोर्थ, आपका एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स कौन लेके आता है, इंडिया की रैंक कितनी है, इतना जानना है मुझे, है ना, तो पहला याद रखना बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, सेकंड इंडिया की रैंक है 10th out of 11, ओके। फिफ्थ, आपका ओरोवांचे न्यूज में है, तो ये टर्म है क्या है, UPSC इतना पूछेगा, तो हिडन पैरासाइटिक बीड है मस्टर्ड के लिए, अनवांटेड प्लांट है ना जो नुकसानदायक है मस्टर्ड के लिए। सिक्स, आपका स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट कौन लेके आता है, बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट प्लस डाउन टू अर्थ, जिसकी मैगजीन आती है। अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कब बना था? 1980। सेवेंथ, आपका मरीन हीट वेव्स, आप मेरे साथ नोट डाउन करते हैं तो आप स्पीड को थोड़ा कम कर लिया करें या फिर बीच में पोस्ट कर लिया करें, ओके। मरीन हीट वेव्स, तो इसके बारे में भी एक रिसर्च है, सी वाटर टेम्परेचर एक्सीड अ सीजनली बेरिंग थ्रेशोल्ड फॉर एटलीस्ट 5 consecutive days, तब उनको बोलते हैं मरीन हीट वेव्स आती हैं कम से कम 5 दिन के लिए, ओके। पर सक्सेसिव हीट वेव्स विद गैप्स ऑफ 2 days और लेस आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सेम इवेंट, एक ही हीट वेव का पार्ट मानते हैं अगर 2 दिन से कम या फिर 2 दिन के मैक्सिमम वो हीट वेव को रिपीट कर रहा है तो। एट, आपका शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाइन्थ, आपका ब्रोकेसिया नाना वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल है इसलिए बस याद रखना, ब्रुकेशिया नाना न्यूज में है तो क्या है, UPSC ये पूछेगा, है ना, तो आप याद रखना रेप्टाइल की एक वैरायटी है, मेडागास्कर में फाउंड होती है। अर्का सुबह न्यू वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड है। आज का क्वेश्चन, कमेंट ऑन द डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, डाइक्लोफेनिक वगैरह का इशू पढ़ा होगा, वल्चर रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, है ना, जिससे इनको सेफ्टी देखी जाए, और कोई भी आपके गाँव में कोई एक्सपायर हो रहा है, ऐसे जानवर ख़त्म हो रहा है, तो जानवर को पहले ट्रीट किया जाता है कि उसे देखा जाता है उसके अंदर डाइक्लोफेनेक तो नहीं है, वो सब आप उसमें लिखना, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इनको बचाने के लिए, ब्रीडिंग कर रही है, वो सब एक अच्छा आंसर तैयार करो, मुझे सेंड करना AG2820311@gmail.com।
com, ओके, या फिर टेलीग्राम भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, चल सब्सक्राइब जरूर करें।